सो हे गाइज, वेलकम बैक टू फ्री एरा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप ऐसे 80% लोग वीडियो को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपडेट कर देता हूँ Q&A को लेकर के। तो Q&A वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलने वाले हैं, शायद आपको कल या परसों के अंदर में देखने को मिल जाएगी। तो अभी हमारी फर्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो क्या आपको पता कि तुम मेरे 2 सॉन्ग के अंदर में कितना पैसा लगा इसको बनाने को लेकर के? तो रिसेंट अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर में रिवील करते हुए ट्रिगर्ड इंसान बताया कि तुम मेरे 2 सॉन्ग बनाने में कितना पैसा लगा उनका। ये 9 डेज अगो है, ये 3 डेज अगो है, ठीक है। और अपना गाना 70 लाख का तो नहीं बना, मेरे ख्याल से 7,000 साले। इस एक एक्टर ने 20-25 हजार रुपए लिया है। आई थिंक एग्जैक्ट फिगर मेरे हिसाब से 2 लाख के आसपास पड़ी होगी, जो मुझे लगता है इतना लगा है इस गाने को बनाने में। तो अभी हमारी अगली अपडेट है क्रेजी दीप के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा, क्रेजी दीप एक डिस्ट्रैक लेके आने वाले हैं यूट्यूबर्स के ऊपर में, और जिनमें से एक होने वाले हैं UK07 राइडर। तो क्रेजी दीप अपने इंस्टा स्टोरी पर हल्का सा टीज किए कि वो UK07 राइडर को किस तरह से डिस करने वाले हैं। बाबू भैया राइडर बोंगा बने हो जी, जीतेगा तो जिसमें रेस होगी गधों की, बंदियों को यूज करे गाड़ियों का शौक, इन सड़कों पे क्यों पीटा। और अभी UK07 राइडर के बारे में बात चल रही है, तो बता दो कि UK07 राइडर के 6 मिलियन सब्सक्राइबर जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं। और वो अपने ब्लॉग के अंदर में ये बताया कि 6 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर वो एक नई कार लेने वाले हैं, जो कि फॉर्च्यूनर भी हो सकती है। तो अभी हमारी अगली अपडेट है एलविस यादव के बारे में। तो एलविस यादव एंड UK07 राइडर का जो मीटअप था जयपुर के अंदर में, तो इसको लेकर के एलविस यादव कुछ चीजें रिवील किए कि उनकी पोर्च एंड मस्टैंग को तोड़ने का प्लान था वहां पर। मतलब कि कुछ लोग ऐसा चाह रहे थे वो एलविस यादव एंड UK07 राइडर के जो सुपर कार है उनको तोड़ दे इस मीटअप के अंदर में। ये ठीक है, ओके, दो चीज मार दी। बालक बालक बात कर रहे हैं, बाहर मस्टैंग तोड़ने की, पोर्स तोड़ने की, पता तुम्हें? कसम से माँ कसम, ये कौन कर रहा भाई? ये भाई आए थे एक नीचे कर बात चल रही थी, और यो ये भी फाड़ दिया, और ये वाला नुकसान भी देख लो भाई। इसमें तो ना होगा कोई नुकसान बेचारी में, इसे तो शुक्र है ना लेके गए हम। इसकी मर्डर की प्लानिंग हो रही थी कि पोर्स का मर्डर कर देंगे। पंचर चेक कर लो, यहाँ तो निकलेंगे फिर। तो अभी हमारी अगली अपडेट है सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी के पास में 2 iPhone है, जिसमें से एक iPhone उनका बैकअप का, ताकि एक फोन टूट जाए तो दूसरा फोन उनको काम आ सके। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जो उनका बैकअप iPhone था वही टूट गया कल वाले व्लॉग के अंदर में, एंड उसको वो ठीक करवाने के लिए एप्पल केयर में दे चुके हैं। तो आज की हमारी लास्ट अपडेट है किसी का भाई किसी की जान मूवी के बारे में। तो क्या आपको पता है कि सलमान खान की लेटेस्ट मूवी किसी का भाई किसी की जान ने 3 दिन के अंदर में कितना कलेक्शन किया है? तो इस मूवी ने 3 दिनों के अंदर में कलेक्ट किया है 68.17 करोड़ रुपए। तो आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे कमेंट में बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ में। तब तक के लिए बाय।